एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? टुडे आई एम कमिंग विद अ न्यू रेसिपी, और ये है क्रीमी सॉसी चिकन, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली कट कर लिए हैं। और ये बॉयल चिकन है, जिसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूँगी। आप फ्राई भी कर सकते हो, बट वी पर्सनली लाइक बॉयल चिकन। उसके ऊपर कर्ड बारबेक्यू बारबेक्यू मसाला, जो भी आपको मसाला पसंद हो, बारबेक्यू, पेरी पेरी, एनी मसाला यू कैन पुट, एंड कस्तूरी मेथी एंड लिटिल बिट ऑयल। और उसको करके मैरिनेट थोड़ी देर रख दो, आधा घंटा। और अब मैंने पैन में एक ऑयल ले लिया है, जिसमें मैं कैप्सिकम वगैरह सब डालूंगी, जो आप देख रहे हो अभी ऑयल डाला है मैंने। अब इसमें मैं गार्लिक डाल रही हूँ। गार्लिक को कलर चेंज करना है, थोड़ा ब्राउन करना है उस, आप देख रहे हो सी। अब मैं इसको ब्राउन होने के लिए मैंने छोड़ा है। ब्राउन करने के बाद मुझे इसमें कैप्सिकम, आनियंस और ये सब चीज़ें डालनी है। जब तक ये हो रहा था, तब तक मैं साथ साथ में ना जूस भी पी रही थी, बिकॉज मैं मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीना चाहिए। सो देखो, मैंने अब इसमें कैप्सिकम और अनियंस डाल दिया है। एकदम इनका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको सॉटे करना है कि खड़ा खड़ा रहे सब। यू कैन सी या एंड उसके बाद आपको, जब तक वो चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक आपको ये वेजिटेबल सौते करनी है। और ये मैंने एक स्लरी बनाई है, बेसिकली इसमें मैदा यूज़ करते हैं लोग, बट मैंने थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी और राइस फ्लावर डाला है और पानी के साथ मिक्स करा है थोड़ी थिकनेस के लिए। अब यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट सौते हो चुकी है, कैप्सिकम एंड अनियंस मेरे सौते हो चुके हैं। अब मैंने इसमें वाइट चिकन मसाला, वाइट सॉस चिकन मसाला, और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, दोनों मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। और अब इसमें मैं गार्लिक सॉस डालूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस चीयर्स की गार्लिक सॉस का, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये थोड़ी सी टैंगी भी है, सो वी डोंट लाइक टैंगी थिंग्स। और इसके बाद मैं थोड़ी सी टमाटो केचप डालूंगी बैलेंस के लिए, कि ज़्यादा खट्टा ना और ज़्यादा यू नो टेस्ट बैलेंस रहे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी मेयोनीज और थोड़ा सा ऑयल। मैं भूल कैसे गई ऑयल? ऑयल मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, जिससे कि ज़्यादा ना हो। आपको अगर पर्सनली आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, बट हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। और अब इसके अंदर मैंने 2 स्कूप मेयोनीज डाला है, क्रीमी मेयोनीज, स्वीट वन, ये टैंगी वन नहीं है, तो आपको टैंगी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी डालनी है आपको इसके अंदर, सी जितना आपका टेस्ट के हिसाब से है, टेस्ट के हिसाब से डालो। मुझे कस्तूरी मेथी पर्सनली अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अब बस हमें अभी ऑलमोस्ट ये वेजिटेबल्स पक चुकी हैं, और उतनी देर के लिए मैंने ओवन में चिकन ग्रिल होने रखा था, जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। यू कैन सी ये ग्रिल हो चुका है, अच्छे से ग्रिल करना है। उसके बाद वो चिकन हम इस ग्रेवी में डाल देंगे, जो हमने सब्जियां सौते करी थी ना सॉसेस के साथ, अब ये चिकन उसमें डाल देंगे। चिकन डाल के हमें इसको थोड़ी देर के लिए यू नो मिक्स करना है, थोड़ा सा कि उसमें सारे फ्लेवर्स चले जाए। आप देख रहे हो चिकन कितना प्यारा लग रहा है। और ये डालने के बाद मैंने ये स्लरी भी डाल दी है, मैंने बहुत लाइट बनाई थी क्योंकि हम इसको एज अ स्नैक बना रहे थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करा। आप चाहो तो उसको उस स्लरी को हैवी भी कर सकते हो एक्स्ट्रा मैदा या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद लिड लगा दी है मैंने, जिससे कि वो फ्लेवर्स उसके अंदर चले जाएँ जो भी मैंने डाले थे। और सी चिकन इज़ रेडी।